हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब मजे में होंगे और खुश होंगे। आज आपको एक कहानी सुनाएंगे हम, छोटी सी है लेकिन पसंद आएगी, अच्छी कहानी है। ये एक लखनारा होता है, गांव में रहता है, और उसकी एक बीवी होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है, 2-2.5 साल का छोटा सा बच्चा। तो वो गांव से रोजाना जंगल में जाता है, लकड़ियां काटता है और फिर बांध कर उसको घर लाने लाता है। तो रास्ते में उसको एक बाग नजर आता है, तो वो हमेशा उसके माली से बात करके कुछ फल खरीद लेता है अपने बच्चे के लिए भी, और लेकर घर आने की कोशिश करता है। तो रास्ते में एक जगह पर बहुत से बंदर मिलते हैं उसको, तो सब लग जाते हैं उसके पीछे। तो शुरू में 1-2 दिन तो उसने निकाल के दे दिया उसके अंदर से उनको, लेकिन अब वो रोज ही लग जाते थे। जब जब निकलता वो घर जाने के लिए, वो सब चारों तरफ से लिपट जाते उसके। तो वो दे देता था, उतना देता था कि अपने बच्चे से ज्यादा हो तो उन बंदरों को भी दे देता था। रोज का यही उसका था। फिर एक दिन ऐसा होता है, चलता रहा सिलसिला। फिर एक दिन उसकी बीवी बीमार हो जाती है, और काफी बीमार हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अब जब हॉस्पिटल चली जाती है तो बच्चे को देखने वाला कोई नहीं होता, वो बड़ा मुश्किल में फंस जाता है। अगर लकड़ी काटने ना जाए तो घर का खर्च कैसे चले, तो जाना भी जरूरी, और बच्चे को अकेले छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो उसने सोचा है क्यों ना मैं बच्चे को अपने साथ लेके चला जाऊं, वहीं बैठा के रखूंगा इसको, अपना काम करूंगा, ये बैठा रहेगा। तो लेके चला जाता है इसको, और वहां अपना लकड़ी काटने लगता है। उसको एक पत्थर पे बिठा देता है, लकड़ी काटा, उसके बाद काफी देर फिर उसको बांधा बांधा। फिर अचानक उसको जो देखा तो बच्चा नहीं था वहां पे, वो घबरा गया कि पता नहीं बच्चा गया कहाँ, खुद से कहीं चला गया या क्या हुआ। बेचारा बड़ा परेशान निकला वहां से ढूंढता हुआ बच्चे को। तो थोड़ी दूर पे उसको नजर आया एक भेड़िया नजर आया, उसने कहा ओ ले गया ये भेड़िया हमारे बच्चे को, काट करके खा गया। बहुत बेचारा बहुत गमजदा चला वहां से, और रास्ते में वही बंदर का इलाका उसको मिला। तो सारे बंदर जो हैं वो उछल कूद कर रहे हैं और उसके पास भी आ रहे हैं कि हमें खाना दो, फल दो। तो बेचारा इतना गमजदा था, उसने फल भी नहीं लिया था, कुछ भी नहीं। लेकिन अब इसने में उसको नजर आया क्या कि 1-2 बंदर जो है एकदम दरख्त की सबसे ऊंची वाली टहनी पर उसके बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं बच्चा ऊपर कैसे बैठ गया, मालूम कि बंदर सब ले गया उसको ऊपर में। खैर उसके बाद वो किसी तरह उतारते हैं उसको, उसको लेके वो घर आता है और फिर सोचता है कि एक्चुअली थोड़ी देर पहले उसको नजर आया था भेड़िया, तो उसने सोचा था कि यही भेड़िया मेरे बच्चे को खा गया। मगर हुआ ये था कि बंदर को भी वो भेड़िया नजर आ गया था, उन बंदरों को भी। तो वो बच्चे को उठा लेते हैं वो लोग, और उठा के ले जाके ऊपर बैठा देते हैं, क्योंकि हमेशा ये खिलाता पिलाता था, बंदर उससे बहुत मानूस थे। तो दिल में सोचता है कि देखो मेरी नेकी का कितना फायदा हुआ, हमने नेकी किया तो इन बंदरों ने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना तो आज बच्चा तो मारा चला ही जाता। तो बहुत अफसरदा भी है, और घर आके कहता है कि नेकी जो है सही सही मानों में नेकी कभी रायगा नहीं जाती। किसी के साथ करें आप नेकी, चाहे बंदरों के साथ या किसी जानवर के साथ या आदमी के साथ, किसी के साथ करें वो उसका बदला जरूर, नेकी का बदला जरूर मिलता है। जैसे उस दिन उसको बंदरों के जरिए यानी जानवरों के जरिए बदला मिला, तो सोचता है कि नहीं बहुत नेकी अच्छी चीज है, करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। और उसने दिल में सोच लिया कि आइंदा भी वो हमेशा उन बंदरों के साथ, वो कोई भी जानवर ऐसे हो तो उसके साथ वो नेकी जरूर करेगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत सबक आमोज है, इसलिए सोचना चाहिए कि इंसान हो या जानवर हो या कुछ, किसी के साथ भी आप नेकी करें तो उसका आपको रिटर्न जरूर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी के साथ नेकी किया हो तो उसका बदला आपको ना मिले। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा छोटा या बड़ा जैसा भी आपके पास मौका हो, आप लोगों के साथ नेकी करें, और उसका फल इंशाल्लाह अल्लाह ताला बाद में आपको जरूर देता है। तो बच्चों कैसी लगी आपको कहानी? उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी।